कैसे आया है, इसको साफ कराना है, इसमें के गंदा है तो इसको हमने साफ तो हमने करा। अब ये कौन डालता है, किसने करना है, ये हमने देखना है। इसको पूरा क्लियर कराना है, पूरा ऐसे देना है सबको। जो गंदा है वो आगे सीधा अच्छा काम करता है, बना रहेगा। जो इसको क्लियर कराना है, कैसे कराना है, सफाई कराने कैसे कराना है, है ये तो बड़ा फोकस सेंटर देख है। मैं अमित गुप्ता, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 19। आज अपने वार्ड में हमारे CTO साहब आए हैं, जो पूरे नाले का, जितने भी हमारे वार्ड नंबर 19 के नाले, इसको क्लियर कराएंगे। DC आगे बरसात आ रही है, हम CTO साहब को इसलिए बुलाया। ग्राउंड में देखिए कितनी प्रॉब्लम है नालों की। जो मेरा वार्ड नंबर 19 है, वो सिटी ऑफ द हर्ट है, सेंटर प्लेस है। जितने लोग आते हैं यहाँ पे आते हैं, हमारे जो प्रेस कर्मी भाई हैं, हमारे प्रेस क्लब के बाहर रहते हैं, इनका भी हमने सेहत का ध्यान रखना है, इनका भी सोचना है और आम जनता का भी सोचना है। और आज CTO जी ने मुझे कमिटमेंट कर दिया, ये वीक अंदर, एक हफ्ते के अंदर जितने भी हमारे नाले हैं ये मेरे वार्ड के अंदर, इसको क्लियर कराएंगे, क्योंकि आगे बरसात आ रही है। ये ना हो बरसात आने के बाद भी ये डोगरा चौक फिर हब बन जाए पानी का, फिर आ जाके कारपेटर पे आती है बात। इसलिए हम अपने CTO साहब को बुलाया है ग्राउंड में, कि जितने भी हमारे नाले हैं इसको क्लियर कराया जाए और साफ, जितनी जल्दी DC लीक कराए जाए, सफाई कराए। और लोगों से भी अपील करते हैं, प्लीज़ अपना जो कचरा है कूड़ेदान में डालिए, अब सफाई रखिए। कोविड का मसला है, इस टाइम कोविड चल रहा है, अपना सेफ्टी अपने हाथ में रखिए। और हमने ऑटो लगा के रखी है, GMC अच्छा काम करी है। यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आम पब्लिक हमारा साथ दे, कॉरपोरेटर का साथ दे, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साथ दे, कि हम जम्मू को स्मार्ट बनाए, स्मार्ट सिटी बनाए, कि हम अपने जम्मू को नंबर 1 पे लाएं, कि हमारा कोई भी बाहर के टूरिस्ट, मंदिरों का शहर है हमारा जम्मू, तो आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि हमारे CTO साहब इसका ब्यौरा देंगे। हमारे जो आज आए हमारे साथ, इनके से भी पूछिए आप। आज आपने दौरा किया, काफ़ी सारे नाले देखे, कब तक ये साफ सफाई हो जाएगी सर? जी, जैसे डिसिल्टिंग का काम हमने मार्च से ही स्टार्ट कर दिया था। जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे पास था, उसमें जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा आया हुआ था, हमने स्टार्टिंग डिसिल्टिंग वहाँ से भी की है। आज हम इस अमित जी की कॉरपोरेटर 19 नंबर वार्ड पे का दौरा किया, जहाँ जहाँ डिसिल्टिंग की रिक्वायर्ड है, मैंने 1 वीक्स का इनसे टाइम लिया है। और देखो, एक मैं पब्लिक को भी यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे डस्ट देखा है, लिफाफे देखे सब, 1 वीक पहले ये बिल्कुल क्लीन हम करके गए हैं, आज फिर यही सिचुएशन आ गई है। और ये सामने शॉपकीपर हमारे भाई साहब, इन सबको मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट थ्रो द गार्बेज इन द ड्रेन्स। अगर आप ड्रेन में फेंकोगे तो हमें यहाँ से उठाना है, अगर आप नहीं उठाओगे तो नाले साफ रहेंगे। जो मेन कारण, जो मेन हब बन चुका है डिसिल्टिंग का, ये है कि पॉलीथीन्स, दे आर थ्रोइंग दी पॉलीथीन्स देन नालास। तो ये मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये पूरे जम्मू को संदेश कि हमारा जम्मू नीट एंड क्लीन सिटी है, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का ये हम GMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यही संदेश लेके चल रही है। प्लीज़ नालों में गंद मत फेंको। और यह रूटीन में हम करते भी आ रहे हैं, यानी कि आज की विजिट की और मैं वीक्स का टाइम दे दिया, रूटीन में नाले हम डिसेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं Zone 3 की बात करता हूँ, गांधीनगर एरिया में वार्ड 42, वार्ड 43, दिल्ली में जहाँ पे लास्ट ईयर पानी काफ़ी गया था, हमने मार्च से वहाँ से ही स्टार्ट किया। अब कृष्णा नगर है, भगवती नगर है, पूर्व नगर है, दुर्गा नगर है, जानीपुर के जितने भी बांतला के हैं, डिसिल्टिंग हमारी पैरेली हर जोन पे चल रही है। हमारा यही है कि इस जो कमिंग मूनसून सीज़न आने वाला है, उसके पहले डिसिल्टिंग जो है 100% हो जाए, ताकि लोगों को ये समस्या जो है दोबारा पानी न पड़े।